दोस्तों सुपर 12 के मुकाबले जैसे जैसे हो रहे हैं, सेमीफाइनल की जंग और भी रोमांचक होती जा रही है। बता दें सुपर 12 के मुकाबलों में अब तक श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीम जीत हासिल करने में सफल रही है। इस बीच टूर्नामेंट में शुक्रवार को दो मुकाबले खेले गए, जिसमें पहला मुकाबला ग्रुप टू की टीमों के बीच था। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 3 रन से शिकस्त देते हुए टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। तो वहीं शुक्रवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने अपना प्रदर्शन जारी रखते हुए टूर्नामेंट में लगातार 3री जीत हासिल की। इस दौरान भारत और न्यूजीलैंड को हराने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी मात दी। ऐसे में लगातार 3 जीत के साथ अब बाबर आजम की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की पक्के दावेदार बन चुकी है और इसी के साथ वह ग्रुप टू में टॉप पर बरकरार है। तो वह इस हार के बावजूद अफगानिस्तान दूसरे स्थान पर ही है, क्योंकि उसके 2 रेटिंग पॉइंट्स हैं और रन रेट में थोड़ी गिरावट है, लेकिन ये अभी भी बाकी किसी भी टीम से ज्यादा है। इसके अलावा नामीबिया के भी 2 पॉइंट्स हैं और रन रेट के कारण वह 3 स्थान पर है। वैसे दोस्तों ग्रुप टू में टीम इंडिया की हालत अच्छी नहीं है। पहले मैच में मिली करारी हार के बाद भारत 5वें नंबर पर बना हुआ है। हालांकि भारतीय टीम सिर्फ स्कॉटलैंड से ऊपर है। रन रेट की बात करें तो पहले मैच में हार के बाद कोहली एंड कंपनी का रन रेट माइनस में है। वहीं भारत को अगर सेमीफाइनल में जगह बनाना है तो उसे अब अपने सारे मुकाबले जीतने होंगे। बता दें कि भारत को अपना दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर यानी रविवार को न्यूजीलैंड से खेलना है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।